हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हमसे बात करने वाला हूं कि रेलवेज आज भी वही पुराने घिसे पिटे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं उन्हें क्यों यूज़ करता है, क्या रीज़न है, कोई तो वजह होगी कि पूरे भारतीय रेलवे के नेटवर्क के अंदर हम आज भी उन्हीं पुराने प्रिंटर्स को देखते हैं, जबकि आजकल हमारे घर के अंदर वो प्रिंटर्स नहीं हैं। हमारे घर के अंदर जो प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर बन चुके हैं या फिर उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, बट कम से कम वो बाबा आदम के ज़माने की टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कोई तो कारण ऐसा होगा ना कि रेलवेज आज भी उसे यूज़ कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ कारणों को लेकर के। दोस्तों सबसे पहला कारण है कि हम लोग अपने घर के जो प्रिंटर हैं उसमें एक बार में एक पेज को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब जो कॉपी बनेगी वह एक ही बनेगी, बट ऐसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ नहीं है। अगर आप एक पेज के नीचे कार्बन पेपर लगा के दो तीन पेज भी लगा दें बैक टू बैक कार्बन पेपर लगा करके, तो आप एक बार में तीन से चार कॉपीज तक प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भारतीय रेलवे के नेटवर्क में एक दिन में बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं और हर ट्रेन के चार्ट्स को प्रिंट करना होता है, जो रिजर्वेशन चार्ट्स होते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि जो रिजर्वेशन चार्ट्स होते हैं वो रेलवेज को कई सारी कॉपीज चाहिए होती है। एक कॉपी टिकट चेकर के पास जाएगी, एक कॉपी ट्रेन के बाहर लगेगी, एक कॉपी जो है प्लेटफॉर्म पर रहेगी। इस तरह की तीन चार कॉपीज हर चार्ट की बननी होती है और रेलवे एक दिन में, अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे की बात करें, तो एक दिन में कम से कम 300-400 ट्रेनों के चार्ट तो वहाँ पे तैयार होते होंगे। तो फिर ये सबसे बड़ा समाधान है कि भाई हम कुछ ऐसे प्रिंटर यूज करें जो हमारा काम आसान करें। तो दूसरी सबसे अच्छी बात वो है कि इसके अंदर पेपर के साइज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि हमारे जो घर के प्रिंटर्स होते हैं, जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं या फोटोकॉपी की मशीन्स होती हैं, उनके अंदर साइज़ एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको A3 साइज़ शीट यूज़ करनी है, आपको A4 साइज़ शीट यूज़ करनी है या कोई और शीट यूज़ करनी है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो भी साइज़ का पेपर लगाएंगे उस साइज़ की इसमें प्रिंटिंग बड़े आराम से हो जाती है। दूसरी बात कहीं ना कहीं ये हो सकती है कि रेलवेज़ आज भी जो रिजर्वेशन करने के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, मतलब अगर आप उनके कंप्यूटर्स को देखें जा करके, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के हैं, वो सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ कि एक पुराने ज़माने का प्रिंटर ही उस ज़माने के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि आजकल के अगर हम HP वगैरह के प्रिंटर यूज़ करें तो मुझे नहीं लगता कि वो उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों सबसे आखिरी में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगता है रेलवे हो सकता है इसी कारण से करता हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कुछों के घर में प्रिंटर होगा और आप डेफिनेटली कभी ना कभी तो अपना कार्टेज रिफिल करवाने गए होंगे। सस्ते कार्टेज रिफिलिंग की बात करूँ तो कम से कम 200 रुपये तक की होती है, बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ क्या देता है कि आपको मात्र 20 रुपये में कार्ट्रेज रिफिल हो जाती है, 5 मिनट को लगते हैं और करीबन एक बार करने के बाद आप उससे 1000 से ज़्यादा कॉपीज जो है प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक जुड़े हमारे चैनल के साथ, लाइक कर देना इस वीडियो को, आपको पसंद आई है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो शुभम कुमार सैनी का फिर थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।